जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 22 अक्टूबर। आज क्या है, 22 अक्टूबर है, और 22 अक्टूबर से करंट अफेयर का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का PDF आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो प्रश्न है आपको कल का वीडियो का है। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ 2+2 वार्ता की है, यानी कौन ऐसा देश है, ठीक है, जो भारत जो है आपको उसके साथ 2+2 वार्ता की है, जापान, चीन, श्रीलंका, ब्रिटेन। तो देखिए, इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या होगा, ब्रिटेन, ठीक है। और ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन जो है आपको यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। आपको याद रखना है कहाँ पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी हैं, जो अभी G20 सम्मेलन हुआ था उसमें आए हुए थे। कहाँ, दिल्ली, यानी भारत की राजधानी दिल्ली में। यानी G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ है आपको नई दिल्ली में। उसमें कौन आए हुए थे, ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक क्या है, भारत के सॉरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के संसद का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखिए क्या नाम है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये आपको उच्च सदन है, जिसको उच्च सदन बोला जाता है, या फिर प्रभु सदन बोल सकते हैं, या फिर उच्च सदन। जैसे भारत में क्या है, राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन, उसी तरह ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसको आपको आम सदन या निम्न सदन बोल सकते हैं, आम सदन या फिर निम्न सदन, ठीक है। और लोकसभा को, भारत में संसद जो है, सदन जो है, वो आपको लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, और ब्रिटेन में बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको आम सदन या निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है। और ब्रिटेन में जो है आपको बेस्ट, यानी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में पहला स्थान आया है, कौन सा है, लंदन। ये भी आपको याद रखना है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे है, तो ये है आपको लंदन है, ठीक है। अब उसके बाद आज का प्रश्न देखेंगे, आज यानी 22 अक्टूबर का। 22 अक्टूबर का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिक परीक्षण कहां हुआ, तो भारत, USA, जापान या फिर ब्रिटेन। तो इसका आंसर होगा भारत, यानी अपना प्यारा भारत होगा, ठीक है। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे PM जो है आपको नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। और यह जो है आपको 15वें नंबर के, या ये आपको कौन सा नंबर के हैं, क्रमांक याद रखना है, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, 15वें नंबर के PM हैं। और अगर हम गृह मंत्री बात करें तो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू जो भी हैं ये आपको 15वें नंबर के हैं, कितना नंबर के, 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं आपके उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, कहाँ से करती हैं, उड़ीसा के संथाल जनजाति से आपको द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करती हैं, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री भी कौन है, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। और पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल परीक्षण क्लिनिकल परीक्षण कहाँ हुआ है, तो ये आपको हुआ है भारत में। और भी इसमें अगर बात करें तो गर्भ निरोधक, यानी अगर पुरुष में नशाबंदी के बारे में बात करें, पुरुष का नशाबंदी, उसको बोलते हैं बैस्कोटोमी, क्या बोलते हैं, बैस्कोटोमी। पुरुष के नशाबंदी को क्या बोलते हैं, बैस्कोटोमी। और महिला में बोलते हैं टोबैकोटोमी। और महिला में निषेचन जो है आपको फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब, निषेचन कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। और पुरुष के नसबंदी को बोलते हैं क्या, बैस्कोटोमी। और टुबैकोटोमी आपको फीमेल को बोलते हैं। और फीमेल में तीन तरह का हार्मोन होता है, एक आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, यानी तीन तरह का क्या हुआ, हार्मोन। और पुरुष में बात करें तो पुरुष में आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन आपको मेल में होता है, और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और पुरुष के नसबंदी को बोलते हैं बैस्कोटोमी, और महिला को बोलते हैं
क्या बोलते हैं, ट्यूबेकोटोमी, ठीक है। और निषेचन महिला में कहा होता है, फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है, कहा होता है, फिलोपियन ट्यूब। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न, सेकंड है, हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित कैरेबियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, यूके, यूएसए, ब्राजील या फिर यूएई। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड को हो जाएगा ए, यूके, क्या होगा, यूके होगा। अब उसके बाद है थ्री, थ्री है विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया, विश्व सांख्यिकी दिवस 1 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपको सी, 20 अक्टूबर, यानी विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है, तो 20 अक्टूबर को। अगर अक्टूबर में और भी हम बात करें तो देखिए 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को आपको क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को, और विश्व कॉफी दिवस ये भी आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व कॉफी दिवस और विश्व कॉफी दिवस को। अभी आपको एक और याद रखना है इसमें, इसका जो है आपको स्थापना हुआ था 1963 में, कब हुआ था, 1963, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपको लंदन है, कहाँ है, लंदन है, ठीक है। यानी 1 अक्टूबर को आपको 3 दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन और विश्व शाकाहारी और फिर विश्व कॉफी दिवस, ठीक है। और अगर हम 2 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती भी, और लाल बहादुर शास्त्री जी का और महात्मा गांधी जी का क्या बोलते हैं समाधि स्थल, क्या बोलते हैं, राजघाट, क्या बोलते हैं, राजघाट, राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी। और विजय घाट जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अगर 5 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, और 8 अक्टूबर को वायुसेना, अगर वायुसेना है तो आपको जल सेना भी याद रखना है, जल सेना है 4 दिसंबर और थल सेना है आपको 15 जनवरी, ठीक है। और वायुसेना का प्रमुख कौन है, वीआर चौधरी, वायुसेना का प्रमुख कौन है, वीआर चौधरी, और जल सेना का है आर हरिकुमार, और थल सेना का है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। अब उसके बाद 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 3 अक्टूबर को है विश्व प्रकृति दिवस, विश्व प्रकृति दिवस 3 को, और 4 को है विश्व पशु कल्याण दिवस, ठीक है, 4 को है विश्व पशु कल्याण, और 6 को है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है 6 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को है आपको ये इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस जो है आपको 7 अक्टूबर को, इसको वीवीआई लगा लें, वीवीआई, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, ठीक है। और 10 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस आपको 10 अक्टूबर को है, और 11 को है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए 10 अक्टूबर को है विश्व दृष्टि दिवस नहीं, आपको 10 अक्टूबर को है, 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को नहीं, देखिए विश्व दृष्टि दिवस जो है आपको 12 अक्टूबर को है, 12 अक्टूबर को है विश्व दृष्टि दिवस, विश्व दृष्टि दिवस जो है आपको 12 अक्टूबर को है, ठीक है। और भी अगर हम बात करें 14 अक्टूबर को तो विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, ठीक है, और 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर को है विश्व छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस क्या है, 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती पे मनाया जाता है, एपीजे यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, ये आपको डेट भी याद रखना है, 15 अक्टूबर 1931 ये इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, रामेश्वरम, ठीक है, यानी तमिलनाडु के रामेश्वरम में किनका जन्म हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम। और इनका एक पत्रिका है, यानी क्या बोल सकते हैं, पुस्तक जो लिखे हैं वो है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किनका है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर को आपको, 15 अक्टूबर वाला को आपको वीवीआई रखना है, वीवीआई विश्व छात्र दिवस, इसको वीवीआई रखना है। एक और क्या बताया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, ठीक है, और एक और आपको विश्व डाक दिवस, इसको भी इंपॉर्टेंट रखना है, विश्व डाक दिवस, डाक दिवस कितना तारीख को है, 9 अक्टूबर को। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्ट क्या बोलते हैं, रुक जाइए, वर्ल्ड ऑस्टियो प्रोसिस दिवस, ऑस्टियोप्रोसिस दिवस जो है आपको 20 अक्टूबर, ठीक है, यानी 20 अक्टूबर को है विश्व ऑस्टियोप्रोसिस दिवस, ठीक है। अब उसके बाद है फोर है, हाल ही में चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है, SBI, PNB, BOI या फिर CBI। तो फोर का आंसर होगा CBI, क्या होगा, CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर सीबीआई का अगर हम प्रमुख बात करें तो सीबीआई का प्रमुख है प्रवीण सूद, कौन है, प्रवीण सूद जो है प्रमुख है, जो आपको कर्नाटक के डीजीपी भी है,
यानी क्या बोलते हैं, सीबीआई बनने से पहले यह जो है वो कर्नाटक के डीजीपी थे, कर्नाटक के क्या थे, डीजीपी। और सीबीआई के गठन आपको 1963 में हुआ था, कब हुआ था, 1963, यानी इसरो के स्थापना होने से 6 साल पहले, क्योंकि इसरो का हुआ है 1969 में, और 6 साल पहले आपको 1963 में सीबीआई का हुआ था, ठीक है। और भी अगर हम बात करें सीबीआई, एक है सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। और एनसीसी बात करें, एनसीसी का गुरबीर पाल सिंह है, कौन सा है, गुरबीर पाल सिंह। और अटॉर्नी जनरल, अभी जो है अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमनी। और कैग बात करें, कैग तो गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या है, कैग है, ठीक है, कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और 50वें चीफ जस्टिस, 50वें नंबर का सीजीआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, ये आपको याद रखना है, डीवाई चंद्रचूड़ क्या है, 50वें नंबर के सीजीआई है, ठीक है। अब उसके बाद है फाइव है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है, वंदे मेट्रो, नमो भारत, वंदे भारत या नमो रैपिड एक्स, तो फाइव का आंसर होगा नमो भारत, क्या होगा, नमो भारत। अब उसके बाद है सिक्स है, हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है, बिहार, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो सिक्स का आंसर होगा, सिक्स का आंसर आपको तमिलनाडु होगा, क्या होगा, तमिलनाडु। यानी यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है, तो आपको तमिलनाडु। और तमिलनाडु में अगर बात करें तो यहाँ पे सीएम है आपको एम के स्टालिन, क्या है, आपको तमिलनाडु के सीएम है, ठीक है, यानी तमिलनाडु के सीएम कौन हो गए, एम के स्टालिन। और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ। और आर एन रवि क्या है, आपको तमिलनाडु के राज्यपाल, देखिए सीएम हो गए एम के स्टालिन और 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ, और आर एन रवि क्या है, राज्यपाल है, आर एन रवि क्या है, आपको राज्यपाल। और तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट 39 है, कितना है, 39, और राज्यसभा सीट है 18, यानी 39 लोकसभा सीट, 18 राज्यसभा सीट। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, जिस तरह से विधान परिषद को क्या बोलते हैं, निम्न सदन, उसी तरह विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु को एक जीआई टैग दिया गया है, सलीम सागो, ये भी आपको याद रखना है, जीआई टैग तो अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सलीम सागो को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, सलीम सागो को जीआई टैग मिला है, किसका, तमिलनाडु को। अब उसके बाद भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ मिला है, तमिलनाडु में, यानी भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में मिला। और तमिलनाडु सरकार स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना, देखिए आपको डायरेक्ट योजना जो है परियोजना से क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको नाश्ता योजना जो है कौन सा राज्य सरकार स्टार्ट किया, तो नाश्ता योजना आपको तमिलनाडु सरकार। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित होगा, यानी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा, तो चेन्नई में होगा। अब उसके बाद है सेवन है, हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा, 2030, 2035, 2040 या 2050, और 2050, तो देखिए इसका जो आंसर होगा 2030 होगा, क्या होगा, 2030, यानी ए, सेवन का क्या होगा, ए होगा, सेवन का ए। और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री क्या है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य जो है आपको ये जो है रखा गया है 2040, अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य आपको 2040 में क्या रखा गया है, अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और ये वाला क्या था, कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा, तो 2030 में बन जाएगा, ठीक है, कब बनेगा, 2030। अब उसके बाद है एट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो
आठ का क्या होगा, आठ का होगा डी आंध्र प्रदेश, यानी जाति पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना आपको कौन है, आंध्र प्रदेश है। और अभी बिहार में जातीय जनगणना समाप्त हो गया है, ठीक है, यानी जातीय जनगणना बिहार में हो गया है। और अभी कहाँ होगा, पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में होगा। और आंध्र प्रदेश का जो है आपको, आंध्र प्रदेश का अभी सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम बताना है, सीएम कौन है अभी बताइए, कमेंट कीजिए। आंध्र प्रदेश का सीएम आपको बार बार बताए हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का अगर सीएम बात करें तो आंध्र प्रदेश का सीएम है जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी, यानी जगमोहन रेड्डी जी कौन है आपको, आंध्र प्रदेश के सीएम है। और एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर क्या है आपको, राज्यपाल है, एस अब्दुल नजीर आपको राज्यपाल है। और आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1953। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य कौन बना है, तेलंगाना, और उसका गठन हुआ था 2 जून 2014, यानी 2 जून 2014 को कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। और एस अब्दुल नजीर आपको राज्यपाल है और जगमोहन रेड्डी कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट बात करें तो 25 लोकसभा सीट है और 11 आपको राज्यसभा सीट, 25 लोकसभा सीट और 11 राज्यसभा सीट है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एनटीआर, एनटीआर देखिए एनटीआर कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री, तो आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर के मृत्यु पर, एनटीआर के मृत्यु पे, यानी मृत्यु पे क्या थी, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा स्मारक सिक्का चलाया गया, ठीक है, क्या चलाया गया है, स्मारक सिक्का चलाया गया है। अब उसके बाद है नाइन है, हाल ही में कहा लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय होगा लोकरंग महोत्सव आयोजित होगा, जयपुर, प्रयागराज, वाराणसी या फिर उदयपुर, तो नाइन का आंसर होगा जयपुर, क्या होगा, जयपुर। जयपुर किसका राजधानी है, जयपुर है आपको राजस्थान का, राजस्थान का राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है। और राजस्थान अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, अशोक गहलोत क्या हैं, अशोक गहलोत हैं आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इसका गठन जो है आपको 1949 में हुआ था, 1949 में गठन हुआ और कलराज मिश्र जी हैं आपको राज्यपाल, यानी राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र और अशोक गहलोत आपको मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और राजस्थान में अगर हम बात करें, राजस्थान में तो 25 लोकसभा सीट है और 10 राज्यसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट और 10 राज्यसभा सीट। और राजस्थान के नीचे कौन सा है, गुजरात, उसमें है 26 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद है 10 है, हाल ही में कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए, सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है, जॉर्डन, मिस्र, जर्मनी या फिर सीरिया, तो इसका आंसर होगा मिस्र, क्या होगा, मिस्र, 10 का बी। 11 हाल ही में अटारी वाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया, 235, 440, 418 या फिर 418, फिर उसके बाद है 520, तो देखिए इसका जो आंसर होगा 418, क्या होगा, 418, 11 का सी, 418। अब उसके बाद है 12 क्या कहता है कि हाल ही में कहा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, भोपाल, जयपुर, गोरखपुर या फिर रांची, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, 12 का क्या होगा, 12 का आंसर गोरखपुर होगा, क्या होगा, गोरखपुर। गोरखपुर आपको यूपी में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल हैं आपको राज्यपाल, और यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और 31 राज्यसभा सीट। और विधानसभा बात करें तो विधानसभा 403 और 100 विधान परिषद। 13 है, हाल ही में कहा बहु प्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा, तो 13 का आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर, क्या होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यूटी कब घोषित किया, 31 अक्टूबर 2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 को आपको यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। 14 है कि हाल ही में UNWTO क्या है, हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया, यानी भारत का कौन ऐसा गांव है जो WTO में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल हुआ है, लेपाची गांव, धोडी गांव, हम्पी गांव या फिर रईक गांव, तो इसका आंसर होगा धोडी, क्या होगा, धोडी गांव। और धोडी गांव जो है आपको गुजरात में पड़ता है, कहां पड़ता है, ये जो है आपको गुजरात में पड़ता है। और WTO बात करें, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन,
इसका हेडक्वार्टर जो है आपको मैड्रिड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ है, मैड्रिड में है, यानी स्पेन, स्पेन के मैड्रिड, क्योंकि स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड है, ठीक है। और इसका गठन 1946 में हुआ था, 1946, और टोटल 160 देश है, यानी 160 देश यूएन यानी डब्ल्यूटीओ में है, ठीक है। और इसका गठन 1946 में हुआ और हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड में है। और भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में जो आया है वह है धोडी गांव, कहाँ का, गुजरात का धोडी गांव। अब उसके बाद है 15 हाल ही में द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुआ, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश। 15 का आंसर होगा बी, पंजाब। क्या होगा, पंजाब। और पंजाब की राजधानी है आपको चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़। और 9 नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। और भगवंत मान सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, भगवंत मान सिंह। अब बनवारी लाल पुरोहित क्या है आपको, राज्यपाल, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित क्या है आपको, राज्यपाल हैं। और अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में लोकसभा सीट है 13 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद है 16 जो है क्या कहता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 15वीं के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है, सूरत, इम्फाल, शिलोंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शिलोंग, नहीं सॉरी इम्फाल होगा, क्या होगा, इम्फाल। 16 का क्या होगा, बी, इम्फाल, ठीक है। और मणिपुर का राजधानी है इम्फाल, क्या है, मणिपुर का इम्फाल। और मणिपुर में एक आपको सबसे ऊंचा पर्वत चोटी मिलेगा, लेमाटोल। और मणिपुर एक सेवन सिस्टर राज्य में आता है, क्या आता है, सेवन सिस्टर राज्य। और इसका गठन 1972 में हुआ था, 1972 में आपको बता दें कि आपको मेघालय का गठन हुआ, ठीक है, याद रखना है मेघालय का, फिर उसके बाद मणिपुर का, और फिर उसके बाद त्रिपुरा, यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इसका गठन 1972 में हुआ। कब हुआ, 1972, किसका, मेघालय, ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। और भी अगर हम बात करें मणिपुर का, तो मणिपुर में अभी एन बीरेन सिंह ये आपको मुख्यमंत्री है, और अनुसुईया उइके क्या है आपको, ये जो है आपको राज्यपाल है। अब देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश कितने विकसित हुआ, यानी किसने विकसित किया, सॉरी कितने नहीं, किसने विकसित किया, सीबीआई, यूजीसी, इसरो या फिर डीआरडीओ। तो 17 का आंसर क्या होगा, सीबीएसई, यूजीसी, इसरो या फिर डीआरडीओ। तो देखिए ये इसका आंसर होगा सीबीएसई, क्या होगा, सीबीएसई। और सीबीएसई का प्रमुख जो है आपको निधि छिब्बर। और इसका गठन सीबीएसई का 1929 में हुआ था, कब हुआ था, 1929, और इसरो का हुआ है 1969, और इसका प्रमुख कौन है, एस सोमनाथन। और डीआरडीओ का 1 जनवरी 1958, ठीक है, 1 जनवरी 1958। और डीआरडीओ का जो है आपको फुल फॉर्म अगर पूछेगा, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो का है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब है आपके लिए सवाल, यह प्रश्न आपको होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।